डिफरेंस, आपको मालूम है कि अब तक यूनिट नंबर 18 में हम लोगों ने कई टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देखा, इंट्रोडक्शन पोर्शंस के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट की प्रोडक्शन, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन देखी, मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक पढ़ा, एम्पीयर्स लॉ का टॉपिक पढ़ा, सोलेनोइड टोराइड। तो स्टूडेंट देखते हैं कि अगर एक दो न्यूमेरिकल बुक में मौजूद हो सिलेबस में तो पहले जरा आज वो अटेम्प्ट करते हैं, राइट। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, ये यूनिट नंबर 18 जरा आप लोग भी बुक ओपन कीजिए ताकि न्यूमेरिकल्स को आप खुद से स्टडी करें तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ये आपके पास पेज नंबर 73 पर है, पेज नंबर 73 पर, पेज नंबर 73 पर यूनिट नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स हैं और 18.1 को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, एन एल्यूमिनियम विंडो, एल्यूमिनियम की एक विंडो है, has width of 60 सेंटीमीटर, उसकी width कितनी है, width है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से आपने क्या किया, divide by 100 से divide किया तो 0.6 मीटर, and length of 85 सेंटीमीटर, और length कितनी है, और लेंथ है 85 सेंटीमीटर, यानी 0.85 मीटर, अगेन यू विल डिवाइड बाय 100। फिर कह रहा है शोन इन द फिगर, फिगर में ये चीज शो की है, यानी एक विंडो बना के दिया है, लेंथ और विड्थ उसकी वहां पे शो की है, जरा सा आप बुक में देखिएगा, ये फिगर है, ये वो आप बुक में देख लीजिए। खैर यहाँ पर वैसे फिगर का कोई काम है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपके पास एक विंडो है और लेंथ और ब्रेथ गिवन दिया है, फिगर में भी यही शो किया गया है। पार्ट ए, इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए, व्हेन द विंडो इज क्लोज्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज दिस नॉर्मल टू द विंडो। कह रहे हैं कि जब विंडो क्लोज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, बी की वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴ टिस नॉर्मल, जिसे आप सिर्फ टी भी लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, इन्होंने बुक में पार्ट ए और बी तो दिया है, लिखे ए एंड बी, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट है नहीं, ठीक है, एक ही पार्ट है। अगर आप बुक में गौर करें तो पार्ट ए में कोई भी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ ये एक वैल्यू दी है, यानी हमने इसका इस्तेमाल करना है। और पार्ट बी में कहता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो, विंडो के जरिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रोडक्शन हुई वो निकाल दीजिए, यानी डेल्टा फाई आपको कैलकुलेट करना है, यानी आप एक पार्ट कट कर दीजिए, सिंपल ये गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। सॉल्यूशन देखिएगा, ये मैंने आपको फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स बी डेल्टा ए, एरिया गिवन नहीं है, तो विंडो किस शेप में होगी, रेक्टेंगल, क्योंकि विड्थ और लेंथ इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल ही होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ इनटू लेंथ, ये एरिया का फॉर्मूला। तो सिंपल ये वैल्यू अब आप पुट कीजिएगा, बी की जगह बी की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁴ इज नॉर्मल, विड्थ इज 0.6 एंड लेंथ इज 0.85। कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, ये फ्लक्स निकाला और यूनिट लिख दीजिएगा वेबर,
क्लियर? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? एक आसान सा न्यूमेरिकल था, चले एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नंबर टू। ये भी शायद इसी टॉपिक का है। नंबर टू, रिपोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, एक मैग्नेट है हॉर्स शू शेप में, मेजर्स 8 सेंटीमीटर × 3.2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर × 3.2 सेंटीमीटर। ये गिवन है लेंथ इनटू ब्रेथ, जब इस तरह की कोई वैल्यू गिवन हो तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ए लिखी या डेल्टा ए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 0.08 मीटर, इसको कन्वर्ट किया 0.032 मीटर। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। फिर फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स इज 80 मिलीटिस नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 80 मिलीटिस नॉर्मल, तो मिली का मतलब होता है 10^-3, 80 × 10^-3 टिस नॉर्मल। Outside the magnet, the magnetic flux density is zero. Outside zero है, ठीक है, रहने दीजिए। Calculate the magnetic flux density between the poles. इसको करेक्ट कीजिएगा, ये वर्ड है calculate the magnetic flux, not magnetic flux density. If you will say magnetic flux density, then it represents B. ये यहां पर mistake है, correct word is calculate the magnetic flux between the poles of the magnet. Magnetic flux यानी डेल्टा फाई आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल अगेन ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, बी डेल्टा ए, और ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, बी बी इज 80 × 10^-3, और ये एरिया की वैल्यू पुट कीजिएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस वेबर, राइट? तो ये फिलहाल दो आसान से न्यूमेरिकल हमने अभी सॉल्व किए, राइट? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में डिस्कस किया था, ये उससे रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, यानी दो न्यूमेरिकल्स हैं, आसान से हैं। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, अच्छी तरह देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे नोट कर लीजिएगा ताकि लाइव सेशन में आप आसानी से डिस्कस कर सके, राइट? तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।